तो जैसे कि तुम लोग यहाँ पे ये एक न्यू ट्रेन स्टेशन देख ही सकते हो एंड तुम में से काफी सारे लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि तुम लोग इस ट्रेन स्टेशन को अपने गेम के अंदर ऐड भी कर सकते हो। एंड हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम सभी लोग अगर इस वीडियो को पूरी एंड तक की देख लेते हो तो तुम में से हर एक इंसान इस धमाल के ट्रेन स्टेशन को अपने गेम के अंदर ऐड कर पाएगा। एंड तुम लोग इसका प्रूफ अभी खुद ही देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इस ट्रेन स्टेशन को ऐड कर लिया है। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ट्रेन स्टेशन से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन खुद देखने वाले हैं। एंड मैं तुम लोगों को इसकी लोकेशन से लेके आखिर इसे कैसे गेम के अंदर ऐड करना है वो सब बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को पूरी एंड तक ही देखना। तो यो 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 गाइस, जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस समय मैं इस ट्रेन स्टेशन के ऊपर ही खड़ा हुआ हूँ। एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ का सीन कितना ज्यादा बढ़िया है। एंड हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जा सकते हैं। एंड यहाँ पे तुम लोगों को टिकट लेने की जगह से लेके ये ब्रिज वाला पार्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा डिटेलिंग से बना हुआ है। एंड ये सच में इंडियन स्टाइल किसी लोकल ट्रेन स्टेशन जैसे ही देखने को मिल रहा है हम लोगों को। तो हाँ, तुम में से सभी लोग इसे ऐड तो कर पाओगे। चलो अब मैं अपने गेम के अंदर से ऐड करके इसकी लोकेशन एंड सारी चीजें तुम लोगों से शेयर करता हूँ। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, अभी मैंने अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम ओपन कर लिया है। एंड अब हम लोग डायरेक्ट ही जाते हैं उस ट्रेन स्टेशन पे। लेकिन हाँ, इस फाइल को इंस्टॉल करने से पहले मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा अपना इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम अपडेट जरूर कर लेना एक बार प्ले स्टोर से जाके, तभी ये लिंक तुम लोगों के गेम के अंदर काम करने वाली है। तुम लोगों को वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, उसे सिंपली कॉपी करना एंड अपने फोन के इंटरनेट वाले ऑप्शन में जाके पेस्ट कर लेना। एंड इसी के साथ मैं रास्ते की बात करूं तो तुम लोग यहाँ पे खुद ही मेरा गेम प्ले देख ही पा रहे हो कि आखिर मैं कहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ एंड कैसे कैसे। हम लोगों को जो पुलिस स्टेशन के साइड से जो रोड गई है, मैं इस समय उसी रोड को फॉलो करके आगे बढ़ रहा हूँ। एंड अगर तुम लोग इस चैनल काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो ये वही इलाका है जहाँ पे मैंने कुछ वीडियो पहले एक जू बनाया था। हालांकि इस फाइल के अंदर उस जू को तो मैंने ऐड नहीं करा है, बट तुम लोगों को कुछ इसी रोड पे आना है एंड एक और टर्न एंड दैट्स इट। इसी रोड पे तुम लोग सीधे चलते रहना एंड तुम लोग पहुंच जाओगे न्यू वाले ट्रेन स्टेशन पे। हाँ, तुम लोग ट्रेन से भी जा सकते हो, बट अगर हम लोग इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D नॉर्मली ओपन करते हैं तो हम लोग को ट्रेन स्टेशन पे ट्रेन देखने को नहीं मिलती है, इसीलिए मैं कार से आया हूं। एंड ब्रो, हम लोग ट्रेन स्टेशन पे पहुंच चुके हैं एंड ये क्या बढ़िया देखने को मिल रहा है। अभी तक की इतना डिटेल्ड प्रोजेक्ट मैंने आज तक की नहीं बनाया है, तो ये मेरा पहला इतनी डिटेल में बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। तुम लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड तुम लोग और क्या क्या चाहते हो मैं ऐसे ही और क्या बनाऊं, उसका सजेशन भी तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। वेल, यहाँ से हम लोग ट्रेन के स्टेशन के अंदर जाएंगे एंड तुम लोग देख सकते हो भाई, ये बिल्कुल एक रियल ट्रेन स्टेशन जैसा ही है। आई मीन, मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया अपनी इमेजिनेशन को यूज करके। एंड यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये देखने को मिल जा रहा है, जो कि तुम लोग को देख के ही समझ में आ रहा होगा, ये है टिकट सेंटर जहाँ से तुम लोग प्लेटफॉर्म पे जाने से पहले प्लेटफॉर्म टिकट ले सकते हो। ये चार हिस्सों में डिवाइडेड है जहाँ पे लाइन लग सकती है। एंड मैं तुम लोगों के किस बताऊं, तुम लोग इस टिकट वाले रूम के अंदर भी जा सकते हो, यानी कि अगर तुम लोग चाहो तो खुद ही सेल करो भाई। तो हाँ, ये भी काफी सही सा देखने को मिल जा रहा है, बाकी अपना ओपिनियन तुम लोग मुझे कमेंट में दे देना। वेल, चलो अब डायरेक्ट ही चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। ओ भाई, प्लेटफॉर्म पे आते ही तुम लोग देख सकते हो हम लोग को लेजिट एक ट्रेन स्टेशन वाली पूरी वाइब आ रही है। एंड देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैंने इसे बनाया है, ऐसा लग रहा है खुद डेवलपर ने ऐड कर दिया। बट एनीवे, तुम लोग को इस ट्रेन स्टेशन के साइड साइड पे वो बॉर्डर्स भी देखने को मिल जाएंगे, यानी कि तुम लोग बिना टिकट के अंदर नहीं आ सकते हो। हालांकि ट्रैक से आ जाओ वो बात अलग है, बट स्टिल ऐसे तो लाइक एक ही तरीका, ऑथेंटिक तो एक ही तरीका देखने को मिलता है, जो कि है वही टिकट सेंटर से होते हुए प्लेटफॉर्म पे आना। बट एनीवे, एंड यहाँ पे हम लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए ये स्टेयर्स भी देखने को मिल जा रही है, जिसपे चलो फटाफट से चढ़ते हैं। एंड तुम लोग को इस ट्रेन स्टेशन की डिटेलिंग कैसी लग रही है मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा के इसे बनाया है, इवन कल ही रात को बनाया है, इसलिए मैं और भी ज्यादा कुछ कर सकता था, बट मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है क्योंकि मुझे जल्द से जल्द तुम लोगों को ये प्रोजेक्ट देना था। एंड मैं भी ऐसा प्रोजेक्ट पहली बार ही बना रहा था इसलिए। वेल, यहाँ पे हम लोगों को ये बड़े बड़े से प्लेटफॉर्म देखने को मिल जा रहे हैं, जिसके नीचे चाहे तो हम लोग यहाँ पे सीट्स भी लगा सकते हैं, काफी कुछ, जिसके नीचे बैठ के तुम लोग रेस्ट भी कर सकते हो एंड वेट भी कर सकते हो ट्रेन का। एंड बाय द वे, चलो अब ट्रेन के साथ भी यहाँ पे आते हैं। तो मैं फटाफट से गया एंड गया फन ट्रैक पे। एंड फन ट्रैक पे जाते ही हम लोग कुछ देर वेट करेंगे एंड हम लोगों के सामने हमारी न्यू वाली ट्रेन आ जाएगी। हाँ, इसलिए मैंने बोला था भाई अपडेट जरूर कर लेना, देखो हम लोगों को एक न्यू ट्रेन भी देखने को मिल चुकी है। अब चलो एक बार इसके साथ चलते हैं न्यू वाले स्टेशन पे एंड इस ट्रेन को रोकेंगे उसी स्टेशन पे। हालांकि अभी मैंने उसका नाम नहीं रखा है, उसका नाम क्या रखना चाहिए वो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इवन खुद भी रख सकते हो अपने अपने गेम में उस स्टेशन को अपने नाम से बुलाना, आई मीन जो भी तुम लोग चाहो। वेल, मैंने अपनी ट्रेन को ड्राइव करना स्टार्ट कर दिया है, बट इसकी स्पीड तुम लोगों को पता ही है इतनी भी कुछ खास नहीं है। हालांकि है काफी फास्ट, बट स्टिल डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो इतनी स्पीड से भी चलने में हम लोगों को काफी टाइम लगने वाला है। तो मैंने फटाफट से अपने ट्रेन के गेम प्ले को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया एंड इससे हुआ ये
चाहिए कि तुम लोग देख सकते हो बस कुछ ही सेकंड्स में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने न्यू वाले ट्रेन स्टेशन पे। एंड ब्रो तुम लोग देख सकते हो हम लोग को दूर से ये स्टेशन देखना स्टार्ट हो चुका है। एंड चलो अब यहीं पे हम लोग रुकेंगे। तो मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेन को रोकना स्टार्ट कर दिया। क्या मजा आ रहा है भाई, ये स्टेशन देखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि इसे इसी गेम के अंदर ही बनाया गया है। वेल इतना एक्साइटमेंट में भाई ट्रेन थोड़ी आगे निकल गई, तो इसे पीछे करके वापस से अपने प्लेटफॉर्म पे रोकते हैं एंड उतरते हैं। हालांकि ट्रेन आती है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, बट इसकी उतरने की जगह दूसरे साइड है। भाई पटरी पे उतर रहा है भाई आदमी। एनीवे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे एंड चलो अपने इस स्टेशन के प्लेटफॉर्म कनेक्टर से ऊपर चढ़ते हैं एंड दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर ट्रेन को देखते हैं। एंड तुम नोटिस कर सकते हो भाई स्टेयर्स भी कितनी ज्यादा बढ़िया तरीके से बनाई गई है, यानी कि इसके अंदर मैंने मल्टीपल कलर्स के ऑब्जेक्ट्स यूज करे हैं जिससे और भी ज्यादा अच्छा लगे देखने में। एंड ऊपर आते तुम लोग देख सकते हो ये हम लोगों को रेलिंग देखने को मिल जाती है। एंड ब्रो भाई पूरा स्टेशन तुम लोग यहाँ से ऊपर से देख सकते हो एंड ट्रेन नीचे खड़ी हुई है। सच में ये विजुअल काफी ज्यादा बढ़िया है। तुम लोगों को कैसे लग रहे हैं अपना ओपिनियन कमेंट में देना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इसी के साथ मैं आ चुका हूँ इस प्लेटफॉर्म पे भी। हालांकि पूरा स्टेशन अभी खाली ही रहता है, बट तुम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसे मॉडिफाई जरूर कर सकते हो। इसी के साथ अभी तुम लोग देख सकते हो मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेन के आने का, यानी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म टिकट लेके इस स्टेशन पे आ चुका हूँ एंड यहाँ पे वेट करते हैं हम लोग। एंड तुम लोग देख सकते हो इतनी दूर से हमारी ट्रेन आ रही है। वेल हाँ अभी उसका टाइम भी हो रहा है तो वो आ भी रही है, तो उसका वेट करते हैं एंड देखते हैं कि वो इस स्टेशन पे रुकती है या फिर नहीं। ओके तो हालांकि इसकी स्पीड दूर से देखने में तो काफी स्लो लग रही है, बट ऑब्वियसली भाई पास से तो काफी तेजी चल रही होगी। एंड इसी के साथ ओ ब्रो स्टेशन में ये ट्रेन एंटर हो चुकी है एंड लेट्स सी रुकती है या फिर नहीं। हालांकि तुम लोग इसे फोन से कंट्रोल कर सकते हो, यानी प्लेटफॉर्म पे आते ही इसे अपने फोन से रोक लेना। वेल ये ट्रेन रुक चुकी है, तो हाँ फटाफट से जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक कॉपी करो एंड अपने गेम के अंदर इस स्टेशन को ऐड कर लो। मैं तुम में से सभी लोगों का रिस्पांस चाहता हूँ, तो कुछ ना कुछ कमेंट में जरूर लिखना एंड वही पढ़ के मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों के लिए और भी कुछ कमाल का लेके आऊंगा। एंड अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक भी देखा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जो मन करे कर देना एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।